मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक भू माफिया को गिरफ्तार किया है। भू माफिया ने मंदिर की जमीन पर कॉलोनी काटकर लोगों को प्लाट बेच दिए थे और उसी के बाद से आरोपी फरार हो गया था। दरअसल इंदौर के भंवरकुआं थाना पुलिस ने कई दिनों से फरार चल रहे भू माफिया राधेश्याम कुमावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी राधेश्याम कुमावत ने पिपलिया राव में गुटकेश्वर महादेव मंदिर की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटकर कई लोगों को प्लाट बेच दिए थे। भू माफिया गिरफ्तार हुआ है, इस प्रकार का मामला है, कितने की धोखाधड़ी करी थी इस भू माफिया ने? यह एक मामला था जो गुटकेश्वर महादेव मंदिर की भूमि थी, खसरा नंबर 393 पिपलिया राव में यह जमीन थी। इस संबंध में ये FIR प्रभुदयाल मुकाती पटवारी द्वारा की गई थी कि कुछ लोगों द्वारा इस अतिक्रमण करके इसको गणेश धाम कॉलोनी के नाम से बेचा जा रहा है। इस संबंध में इस रिपोर्ट पर से आरोपी की आज गिरफ्तारी की गई है। आरोपी का नाम राधेश्याम पिता मथुरालाल कुमावत है, यही आरोप करने वाला है, इसको आज गिरफ्तार किया है। सर कितने की जमीन थी? इनने करीब 90,000 वर्ग फीट जमीन बेची थी, उसमें से जो 393 के क्षेत्र में जो प्लाट आए थे वो करीब करी है इनने 6-7 लाख के करीब। इसमें और भी कई शिकायतें आई है भू माफिया के खिलाफ? इनके समय और भी इनके साथी 6-7 साथी और हैं जिनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी 7 अभी बाकी है। सर ये क्या मुख्य आरोपी था ये भू माफिया? ये मुख्य आरोपी है। ये और भी कई कोई इनामी कुछ था इसके ऊपर घोषित? हाँ, इनाम अभी नहीं हुआ है, बाकी सब पे इनाम अभी घोषित किया जा रहा है। ठीक, आपका नाम? मैं सब इंस्पेक्टर आनंद राय।